हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मीटर टैग के बारे में, इसकी यूजेज के बारे में देखेंगे कि इसका क्या पर्पस होता है। मीटर टैग इज़ यूज टू ऐड डिस्क्रिप्शन ऑफ एचटीएमएल पेज। मीटर टैग जो है वो हम एचटीएमएल पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। द डिस्क्रिप्शन विच वी ऐड बाई यूजिंग मीटर टैग इज़ यूज बाई सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग ऑफ द वेब पेज। ये जो मीटर टैग है इसको हम बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सर्च इंजन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसेस द इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग ऑफ द वेब पेज। किसी भी वेब पेज की इंडेक्सिंग और उसकी जो रैंकिंग है उसके लिए मीटर टैग को इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ नॉट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मीटर टैग। ये मीटर टैग की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बिकॉज इट इज़ यूज इन डिफरेंट वेज डिपेंड ऑन एट्रीब्यूट्स। मीटर टैग जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ इसको यूज़ किया जाता है और ये एम्प्टी टैग है, इसका कोई ओपन क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है ना इसके साथ यूज़ होते हैं। वो यूज़ मीटर टैग इन बॉडी ऑफ हेड टैग। हम जो मीटर टैग है इसको हेड टैग की जो है बॉडी उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करेक्टर इनकोडिंग फॉर HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की अगर हमने करेक्टर इनकोडिंग करनी है तो उसके लिए हम मीटर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर टैग, उसके बाद हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है और जो हमने एट्रीब्यूट दिया है वो कैर सेट का है और उसके बाद जो उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं UTF-8। अब ये जो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट देख सकते हैं ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हम उसको फर्दर जाके अभी देखते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट वैल्यूज़ और उसके डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे इनको देखते हैं कि अगर हम मीटर टैग में ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो उसका क्या पर्पस होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कैर सेट के बारे में और हमने वहाँ पे कैर सेट की वैल्यू को पुट किया था UTF-8। अब इसका देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। स्पेसिफाइज द करेक्टर इनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट की अगर हमने करेक्टर इनकोडिंग करनी है तो हम मीटर टैग में ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद कंटेंट एट्रीब्यूट को हम देखते हैं, इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे टेक्स्ट पुट करेंगे, गिव द वैल्यू एसोसिएटेड विद HTTP और नेम एट्रीब्यूट। HTTP कंटेंट टाइप डिफॉल्ट स्टाइल रिफ्रेश प्रोवाइड एन HTTP हेडर फॉर द इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट को देखते हैं, वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नेम ऑथर डिस्क्रिप्शन जनरेटेड कीवर्ड्स स्पेसिफाई द नेम फॉर द मीटर डाटा। सो गाइज, दैट वॉज इन दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्पज ऑफ मीटर टैग विच वी यूज इन HTML डॉक्यूमेंट। आगे जाके हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सो दैट वॉज इन दिस वीडियो। थैंक यू।